दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नील के गोली मार दी गई है। आप घटनाक्रम पर पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी मिली? देखिए, ये थाना मुरादनगर के आज लगभग रात 11 बजे की घटना है, जिसमें जो मिस्टर शमशाद हैं, सन ऑफ मोहम्मद ताहिर, उम्र लगभग इनकी 40 वर्ष है, और ये राजवीर वाली गली में, ये एक जो आयुर्वेदिक BAMS के प्रैक्टिशनर का बोर्ड है, उसी ऑफिस में ही ये भी बैठा करते थे, तो संभवतः उनके साथ ही कार्य किया करते थे। तो इनकी गोली लगकर हत्या होने की, गोली लगने की सूचना जब थाने मुरादनगर पुलिस को मिली, मुरादनगर पुलिस यहाँ पे आई मौके पे, उनको फिर हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। तो अभी जो सूचना आ रही है कि वो जो इंजरी, ये सकम टू हिज इंजरीज, और उनकी डेथ हो गई है, और जो बॉडी पे अभी जो निशान दिख रहे हैं उसमें 2 गोलियां लगी हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो आसपास के लोगों से जब जानकारी की गई, पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया है कि एक मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए थे, अभी संख्या क्लियर नहीं है, कोई एक बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। तो उनका ये कहना है कि एक मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उन पर फायर किया है, और उस फायर गन शॉट से इनकी डेथ हो गई है। इसी संबंध में अभी पुलिस की टीमें आ गई हैं, हमारी सर्विलांस SOG और क्राइम ब्रांच की टीमें आ गई हैं, साथ ही साथ हमारे फील्ड यूनिट भी यहाँ पे आकर मौके पे आ रही हैं, और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द इस घटना का अनावरण कर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सर, इस संबंध में तहरीर आ गई, इस संबंध में नहीं, अभी ये अभी की घटना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब भी सब कोई मौके पे ही है, तो इसमें सारी विधिक कार्रवाइयां की जा रही है। सर, महज कुछ क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था को लेके इस तरह का? देखिए, ये सारी बहुत अग्रिम चीजें हैं, अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। बात की चीज़ okay. क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अच्छा। मैं ब्रिज बैर में प्रैक्टिस करता हूँ, और ये आज ये आर्यनगर इलाका है और डॉक्टर राजवीर वाली गली है, यहाँ पे क्या घटना घटित हुई? ये डॉक्टर शमशाद यहाँ प्रैक्टिस करते हैं काफी टाइम से, और मैं उनका शागिर्द हूँ, वो मेरे उस्ताद हैं। तो यहाँ क्या हुआ था, पता चला कि 2 लड़के आए थे, और वो आने के बाद में उन्होंने शूट कर दिया। अच्छा। शूट करने के बाद, और जैसे ही 2 बच्चे थे वहाँ पर क्लिनिक के पास में जो काम करते कंपाउंडर हैं, वो लोग बेहोश हो गए, एक बच्चा भाग गया था, एक बच्चा बेहोश हो गया है। अच्छा, ये तकरीबन कितने बजे की बात होगी? ये 10:25 या 20 के आसपास की टाइम की बात। अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ पे, मतलब और कोई मोहल्ले में थर्ड बच्चे यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद मुझे पता चला 10:30 बजे मुझे पता चला, जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैं उनको लेकर के तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए लेकर गया, जीवन हॉस्पिटल लेकर गए थे, वहाँ पर उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, जब वो घायल अवस्था में थे तो उनको गोली लगी थी, कहाँ उनके गोली लगी थी? उनकी एक सीने में लगी थी और एक लीवर साइड में लगी थी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे और भी मतलब पेशेंट थे यहाँ पे, कुछ ऐसी जानकारी थी? इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, एक पेशेंट थे, मतलब पेशेंट जो थे वो जा चुके थे उस टाइम पे, उसके बाद ही ये घटना घटी थी। अच्छा, उनका कभी कोई ऐसा सुनने में आया हो मोहल्ले में, जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई कुछ नहीं है, वो तो बहुत सज्जन थे, और सब लोग बता सकते हैं कि वो कितने सज्जन थे, कितने हेल्पफुल लोग थे, वो मतलब कैसे करते थे पेशेंट के लिए, बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका। अच्छा,